वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निशा, कैसे हो आप सब? सो आज मैं फिर से एक और वीडियो लेके आ गई हूँ आपके लिए ओमान के बारे में। सो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं रेंट के लिए, फूड के लिए, एंड यहाँ पे रहना, मिनिमम कितना सैलरी में सर्वाइव कर सकते हैं, वो सब। सो वही लेके आई हूँ मैं आपके लिए इस वीडियो में। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो। अगर मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके साथ रेंट के बारे में। तो यहाँ पर रेंट आपको लो प्राइस में एंड हाई प्राइस में देखने के लिए मिल जाएगा। वो एरिया वाइज डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रह रहे हैं। अलखुबैर, अजयवा, ढाला या वासर में अगर आप रेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा हाई प्राइस में मिलेगा। एंड लो प्राइस में अगर आपको लेना है रूबी, दारचित या मबेला सीप साइड में, आपको लो प्राइस में भी अच्छे से न्यू फ्लैट्स अवेलेबल हैं। जो न्यू बिल्डिंग्स बन रही हैं उनमें भी काफ़ी लो प्राइस में मिल जाएगा आपको। 1 BHK, 2 BHK अगर आप मबेला सीप या रूबी साइड लेंगे तो उधर आपको वो 150 से 200 रियाल तक काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। एंड इधर बात करूँ तो मैं यहाँ भी 200 से एवब आपको 300-350 तक मिल जाएगा 1 BHK या 2 BHK फ्लैट्स। एंड मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आपका जो वर्क एरिया हो आप उधर ही अपना होम लीजिए, अपना फ्लैट लीजिएगा, जिससे कि आपको काफ़ी इजी हो जाएगा, काफ़ी कंफर्ट रहेगा आपके लिए। एंड ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो मैं आपको ये बसेज एंड यहाँ पे टैक्सी ही अवेलेबल हैं। अदरवाइज आपको इंडिया की जैसे ऑटो मिल जाता है, रिक्शा मिल जाता है, ऐसा कुछ यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो आपको यहाँ पे शेयरिंग में आप टैक्सी कर सकते हैं, बस कर सकते हैं, सॉरी एसी बसेज अलाउड हैं। टैक्सी शेयरिंग में मिल जाएगा, प्राइवेट भी मिल जाएगा, बसेज तो ऑब्वियसली सबके लिए सेम ही होता है। सो वो आपको मंथली 35 से 40 रियाल के लगभग पड़ जाएगा जो रेंट है ट्रांसपोर्ट्स का। एंड वो भी फैमिली के साथ में, अदरवाइज आप सिंगल हैं तो काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए। एंड बसेज जो हैं वो काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा रहेगा आपको अगर आप बस से ट्रेवल कर लेंगे तो। मैं बात करूँगी आपके साथ फूड्स के बारे में, तो फूड्स भी काफ़ी आपको सही प्राइस में देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। ऑफर भी चलते रहते हैं, अगर आप मार्केट में जा रहे हो तो कभी किसी चीज़ पे ऑफ़र मिल जाएगा, कभी किसी चीज़ पे फूड्स में, तो वो भी काफ़ी इजी हो जाता है। एंड आपका पर वीक के हिसाब से लगा के चलोगे तो 20 रियाल तो फूड्स का आ ही जाएगा आपके लिए। ग्रॉसरी आइटम्स परचेज करते हैं आप पर्सनली, अपना कुकिंग खुद करेंगे उसके लिए बोल रही हूँ मैं, तो 20 रियाल आपका मिनिमम पर वीक आ ही जाएगा। या आप बाहर खाते हैं रेस्टोरेंट से या कहीं से तो वहाँ आपको अलग अलग प्राइस में देखने को मिलेगा। आपको 200 वेजा में भी मिल जाएगा, 500 वेजा में भी मिलेगा फूड, आपको 1 रियाल में भी पूरा थाली मिल जाता है 1.2 का, तो अनलिमिटेड थाली होता है वो काफ़ी इजी हो जाता है जो सिंगल्स हैं उनके लिए। एंड फैमिली के साथ हैं तो वो अपना भाई पर्सनली ग्रॉसरी परचेज ही करेंगे, कब तक बाहर से खाते रहेंगे। एंड जो यहाँ पे जो सर्विस है टिफ़िन सर्विस वो भी आपको मिल जाएगी, उसमें आपको दाल, चपाती, सब्जी, रोटी एंड सैलड वगैरह अवेलेबल होगा 500 से 1 रियाल 1.5 रियाल तक ये थाली जा सकती है। सो आप ये डिपेंड्स करता है फूड्स का आपके ऊपर कि आप क्या खाना चाहते हैं, कितना कैसे खाना चाहते हैं, लो प्राइस का, हाई प्राइस का, 10 रियाल का भी है, 50 रियाल का भी है, वो डिपेंड्स करता है सब आपके ऊपर फूड्स में। सो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। एंड अगर आप सिंगल हैं तो आप पूरा ग्रुप मिल जाए आपको तो ग्रुप में बना के एक साथ खा सकते हैं, वो काफ़ी इजी रहता है। उसमें पर मंथ का 30-40 रियाल के आसपास आपका खर्चा आएगा, तो वो सबसे इजी बेस्ट है यहाँ पे कि आप अगर ग्रुप है आपका 5-6 मेंबर्स का ग्रुप बना लीजिए, उसमें आप एक साथ बनाइए, एक साथ सारा ग्रोसरी आइटम परचेज कीजिए और पर मंथ डिवाइड कर दीजिए, तो वो काफ़ी इजी हो जाता है। एंड अगर फैमिली के साथ है तो फैमिली के साथ तो आपका पर मंथ 100 रियाल से अवब ही जाना है, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे भी पता है 120-130 रियाल 150 समथिंग इतना तो मेरा ही आ जाता है। तो ये भी डिपेंड्स आपके ऊपर ये करता है कि आप इसमें कितना सेविंग कर सकते हैं।
एंड फोर्थ पर मैं बात करूँ आपके साथ, वाटर इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ पे, तो उसका भी चार्जेस है, कभी 10 रियाल आ जाता है, कभी 50 रियाल आ जाता है, 15 रियाल, एंड 20 से कभी आपका अबव नहीं जाएगा, लो प्राइस में ही आएगा जो बिल है वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का। सो उसमें भी आप काफ़ी सेविंग कर सकते हैं वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी। एंड वाईफाई है और नेट की तो सबको ज़रूरत होती है, तो आप वो भी अगर ग्रुप में रह के, अगर आप साथ में रहते हैं बहुत सारे लोग, तो एक ही वाईफाई से काफ़ी काम चल जाएगा आप लोगों का सबका। सो उसमें डिवाइड हो जाता है प्राइस, या फिर आप सिंगल हैं या फैमिली के साथ हैं तो आपको अलग से लगवाना पड़ेगा वाईफाई नेट सर्विस जो है। सो उसके लिए भी आपका 25 है, 28 रियाल में भी है, 20 रियाल में भी है वाईफाई की सर्विस। सो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाहेंगे। एंड लास्ट में आपके साथ मैं बात करूँगी फिर से रेंट के बारे में। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो आपका वर्क एरिया है आप उसके हिसाब से रेंट, वो सॉरी फ्लैट देख सकते हैं उसी के पास में, एंड आपको वहाँ अच्छे से मिल जाएगा। एंड ओएलएक्स मस्कट या ओमान, जहाँ भी आप आ रहे हैं, सलाला, सूर, सुहार, मस्कट, जिस सिटी में भी आप आ रहे हैं, तो आप उसका ओएलएक्स पर डाल के देख लीजिए, आपको वहाँ भी काफ़ी दिखा देगा फ्लैट्स वगैरह, 1 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए, तो आप वहाँ से भी जल्दी से अपना सर्च करके अच्छे से देख सकते हैं कि आपको किस एरिया में फ्लैट्स वगैरह चाहिए। एंड आप फर्नीचर की बात करेंगे तो आपको न्यू फर्नीचर लेना है तो यहाँ पे सब शोरूम ही मिलेंगे आपको देखने के लिए, तो आप शोरूम से न्यू फर्नीचर परचेज कर सकते हैं अपने घर के लिए। अदरवाइज कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बहुत सारे लोग यहाँ से जॉब छोड़ के जा रहे हैं, तो उनका न्यू फर्नीचर आपको मिल जाएगा 6 मंथ ओल्ड, 1 ईयर ओल्ड, तो आप वो भी ओएलएक्स से परचेज कर सकते हैं अगर आप न्यू आ रहे हैं यहाँ पे। तो कभी कभी ऐसा होता है एग्रीमेंट ही पूरा वो आप लेना चाहते हैं, तो जो रह रहे हैं पहले से रेंट वो आपको आपके नाम पे एग्रीमेंट कर देंगे, जैसा हाउस है उनका हाउस होल्ड फर्नीचर जो भी होगा सब कुछ आपके लिए वो छोड़ के चले जाएंगे। वो प्राइस एक बार में आपको देना होगा, बट वो काफ़ी इजी होता है क्योंकि इधर से उधर नहीं भागना होता है, काफ़ी अच्छे से मिल जाता है, कंफर्ट हो जाता है, एंड खुद का होता है वो फर्नीचर। एंड क्वेश्चन आया था एक ये भी कि हम अगर फर्नीश्ड लेना चाहें तो वो कितने का होगा फ्लैट, तो उसके भी प्राइस अलग अलग हैं, एरिया वाइज ही मिलेंगे आपको। 350 या 300 से स्टार्ट होता है। सेमी फर्निश्ड या फुल फर्निश्ड लेना है आपको, किस टाइप से लेना है, 2 BHK, 1 BHK, तो सब अवेलेबल हैं यहाँ पे फ्लैट्स, तो वो आपको देखना होगा कि आपको किस हिसाब से अपने लिए लेना है, 1 BHK, 2 BHK, सेमी फर्निश्ड भी हैं, फुल फर्निश्ड भी हैं, एंड उसके भी प्राइस आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे, 400, 450, वो भी 1000 से अब जा सकते हैं प्राइस। तो आप ये अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको कितना यहाँ पे प्राइस रखना है, कितने प्राइस में आपकी सैलरी है, कितना आपको यहाँ पे मिनिमम एक्सपेंसेस करना है, तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी अगर मिनिमम 500 या जो 600 सैलरी है, मेजॉरिटी सैलरी, इसमें आप काफ़ी अच्छे से अपना सेविंग भी कर सकते हैं और अपना सारा जो एक्सपेंसेस है वो भी अच्छे से कर सकते हैं। सो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी 600 है सैलरी, 500 पे आ रहे हैं आप, तो आप उसमें फैमिली के साथ में तो काफ़ी अच्छे से 200, 150 तक आप अपनी सेविंग कर पाएंगे। एंड अगर उससे ज़्यादा आपको सैलरी मिलती है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जितनी सैलरी होती है खर्चे भी हमारे उतने ही होते हैं, ऐसा मोस्टली सबके साथ ही होता है कि जितनी हमारी सैलरी होती है उसी हिसाब से हमारे खर्चे भी बढ़ते चले जाते हैं। एंड स्टार्टिंग में जो बहुत से लोग आते हैं जॉब के लिए, 100 वेजा में, 150, 200 वेजा तक जिनकी जॉब है उनके लिए भी, तो काफ़ी इजी हो जाएगा कि अगर आप ग्रुप में हैं, ग्रुप के साथ रह रहे हैं, तो उसमें आप मैनेज कर रहे हैं, एक साथ कुकिंग कर लें, ग्रॉसरी आइटम एक साथ परचेज कर लें, एंड एक साथ आप सब कुछ यूज करेंगे, तो काफ़ी इजी होगा आपके लिए उसमें सेविंग कर पाना। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। सो मैं आपका आज का जो वीडियो है आपके लिए इसी टॉपिक पे लेके आई हूँ पर्सनली। एंड अगर कोई भी आपको क्वारी करनी है, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज बोलिएगा, मैं फिर से आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगी इसी टॉपिक पे। सो
सो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।